गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टिल नाउ वी हैड कंप्लीटेड साउंड ऑफ वॉवल्स ए ई आई ओ एंड यू इन आर कर्सिव राइटिंग. बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी राइटिंग डिफरेंट कैटेगरीज. लाइक टुडे वी विल राइट अबाउट वेजिटेबल्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स. यस, आज हम लिखेंगे थ्री वेजिटेबल्स नेम, थ्री बर्ड्स नेम एंड थ्री फ्रूट्स नेम. बिकॉज अभी तक हमने जो वर्ड्स लिखे हैं दे आर थ्री टू फोर लेटर वर्ड्स. बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी राइटिंग बिगर वर्ड्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट हेडिंग इज वेजिटेबल्स. पहली हेडिंग कौन सी है? वेजिटेबल्स. तो वेजिटेबल्स में हमें लिखना है पोटैटो, रेडिश एंड टोमेटो. कौन कौन से हैं? मतलब आलू, रेडिश मतलब मूली एंड टोमेटो मतलब टमाटर. तो चलिए शुरू करते हैं पोटैटो से. इसको लिखना कैसे है? पहले इसकी स्पेलिंग को हम एक बार पढ़ लेते हैं. पी ओ टी ए टी ओ. क्या है? पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो. तो चलिए शुरू करते हैं. हम क्या करेंगे? थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन की तरफ ले जाते हुए एक स्लैंटिंग लाइन, फिर नीचे फोर्थ लाइन तक. अगेन इसको रिपीट करते हुए इसको पी की शेप देनी है और यहीं से सी बनाना है. देन वापस ये सी बन गया हमारा. इसको ओ की शेप देते हुए ओ को नीचे नहीं लाना, वहीं से टी कंटिन्यू कर देना है. ओके, ओ हमारा जहाँ से, जहाँ पर हम ओ को छोड़ते हैं लेटर्स को, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं. अब बनाना है ए. ए के लिए भी हम पहले सी बनाएंगे, फिर ए की शेप देंगे, देन अगेन टी एंड देन ओ, लाइक दिस. और आपने देखा मैंने टी को कट नहीं किया. अब मैं टी को कट करूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्ड. दिस इज द रूल ऑफ कर्सिव कि अगर आपको आई और जे का डॉट लगाना है या फिर टी को कट करना है तो वो आपको पूरा वर्ड लिखने के बाद ही करना है. अब हम लिखते हैं वन मोर टाइम बट इन बिट स्पीड. लाइक ऐसे लिखेंगे हम. मैं बस आपको लेटर्स बोलती जाती हूँ. पी ओ टी ए एन टी ओ, पोटैटो. और बाद में हम इसको कट कर देते हैं. गॉट इट? अब लिखते हैं रेडिश. रेडिश मतलब मूली. एक बार स्पेलिंग पढ़ लें. आर ए डी आई एस एच, रेडिश. तो लेट्स स्टार्ट. पहले हम थर्ड लाइन से आर बनाएंगे, फिर सी बनाकर इसको ए कंप्लीट देंगे, अगेन सी बनाकर इसको डी की शेप देंगे, फिर आई एस एंड लास्ट में एच. मैं आपको लेटर्स ज़्यादा इसलिए नहीं डीपली बता रही हूँ बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ टू राइट द लेटर्स सिंगुलरली. ठीक है, आपको बस इनको ज्वाइन करना है. ज्वाइन करने का एक ही रूल है कि पूरा वर्ड लिखने के बाद ही आप अपने हैंड को रेस करेंगे, उठाएंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल वर्ड को लिखते हैं. आर ए डी आई एस एंड एच, रेडिश. रेडिश मतलब मूली. नाउ इट्स टाइम फॉर टमाटो. टमाटो द रेड वन, रेड रेड टोमेटो. तो चलिए पहले टी, फिर ओ, और ओ का ऊपर जो हमारी टेल हमने आगे की ओर निकाली है वहीं से हम एम को भी शेप देंगे. एम ए टी एंड अगेन ओ. और जो भी कट्स हैं वो बाद में. ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड टाइम. टी ओ एम ए टी एंड ओ, टोमेटो. तो पोटैटो, रेडिश एंड टोमेटो. अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज बर्ड्स. अगला सेक्शन कौन सा है हमारा? बर्ड्स का. और बर्ड्स में यहाँ पर हमारे पास है ईगल, पिजन एंड पैरट. कौन कौन से हैं? ईगल, पिजन एंड पैरट. तो चलिए पहले ईगल से स्टार्ट करते हैं. इसकी स्पेलिंग एक बार पढ़ लें. ई ए जी एल ई, ईगल. अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हमको बनाना है ई, फिर सी बनाते हुए ए, अगेन सी बनाते हुए जी एल एंड ई. कहीं पर भी आपने देखा होगा मैंने पेंसिल को रेज नहीं किया. दैट इज द रूल आई टोल्ड यू जस्ट नाउ. लेट्स ट्राई वंस अगेन. ई ए जी एल एंड ई, ईगल. अब हम देखते हैं पिजन. पिजन की स्पेलिंग को एक बार पढ़ लेते हैं. पी आई जी ई ओ एन, पिजन.
तो चलिए पहले हमने पी बनाया, देन आई, फिर सी बनाते हुए जी, ई, फिर सी बनाते हुए ओ, एंड वहीं से देखिए जहाँ से हमने ओ को छोड़ा था वहीं से एन कंटिन्यू किया है और डॉट को हम बाद में लगाएंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया था। लेट्स ट्राई वंस मोर, पी आई जी ई ओ एंड एन, पिजन। पिजन मीन्स क्या होता है? यस, कबूतर। एंड द लास्ट वन इज पैरेट। तो पैरेट की स्पेलिंग क्या होती है? पी ए डबल आर ओ टी, पैरेट। लेट्स कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पी, फिर सी बनाते हुए ए, आर, देन ओ एंड लास्ट में टी और फिर कट। पी ए डबल आर ओ टी, पैरेट। पैरेट मीन्स तोता। यस, जनरली हमने ग्रीन कलर का तोता देखा है बट कलरफुल भी पैरेट्स होते हैं। लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम। पी ए आर आर ओ एंड टी, पैरेट। ईगल, पिजन एंड पैरेट। नाउ इट्स टाइम फॉर फ्रूट्स। यस, दीज आर द थ्री फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो एंड बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि आप में से कितने बच्चों को फल खाना पसंद है। भाई मुझे तो फल और ड्राई फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद है। तो बताइए आप में से किन बच्चों को फ्रूट्स खाना पसंद है? अच्छा, आप लोग ऐसे नहीं बता पा रहे हैं, डोंट वरी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बोल सकते हैं कि आपको फ्रूट्स खाना पसंद है और कौन कौन से फ्रूट्स। मुझे तो मोस्टली सारे फ्रूट्स पसंद हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, एप्पल, मैंगो और बनाना को लिखते हैं। ठीक है, ये बना है एप्पल, दिस इज मैंगो एंड दिस इज बनाना। तो पहले एप्पल की स्पेलिंग देख लेते हैं, ए डबल पी एल ई, एप्पल। इसको एप्पल नहीं बोलते, एप्पल नहीं, एप्पल, क्या बोलते हैं? एप्पल। तो लिखते हैं ए पी पी एल एंड ई, एप्पल। वन मोर टाइम, सी बनाकर ए बनाया, पी पी एल एंड ई, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब, राइट। नाउ मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एम ए एन जी और ओ, कंप्लीटेड, मैंगो। वन मोर टाइम, एम ए एन जी और ओ, मैंगो। एप्पल, मैंगो, एप्पल नहीं ना, एप्पल, क्या बोलते हैं? एप्पल। एप्पल, मैंगो, बनाना, बनाना, नो इट्स बनाना, क्या बोलते हैं? बनाना। देखो बी ए ब, एन ए ना, बनाना, हिंदी में होता है ना मेक मतलब बनाना, द सेम वन, बनाना। चलिए इसको लिख लेते हैं। अब देखिए बी का हमने जहां पर कर्व छोड़ा था वहीं से हमने ए को कंटिन्यू किया ऊपर की तरफ ही, आपने देखा। ठीक है, अब इसको हम वापस लेकर आएंगे लाइक दिस और फिर बाकी हमारा नॉर्मल कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, एन और लास्ट में ए, बी ए एन ए एन ए। स्टार्टिंग के बी और ए को हम एक बार और समझ लेते हैं। हमने बी बनाया, ये हमारा बन गया बी, अब यहीं से हम ए बनाएंगे, ऐसे आगे किया और फिर इसको पीछे वापस लाकर ए बना दिया और बाकी तो हमारा कंटिन्यूटी में है, हमको लिखना आता है। तो ये हो गया बनाना, एप्पल, मैंगो एंड बनाना। ओके, तो दीज आर द थ्री पेजेस दैट यू हैव टू फिल इन योर कर्सिव राइटिंग बुक। कोशिश कीजिएगा कि कर्सिव में ही हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की जो ये कर्सिव राइटिंग की बुक है इसको देखकर लगता नहीं है कि आप लोग कर्सिव में लिखते हैं, ऐसा लगता है कि आप हर लेटर को बाद में बस ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि कर्सिव का मतलब आप लोगों के लिए केवल ज्वाइन करके लिखना है। नो, कर्सिव का मतलब ज्वाइन करके नहीं लिखना होता, कर्सिव के अपने लेटर्स अलग होते हैं, उसी की शेप में हमको लिखने होते हैं, उसी के फॉर्म में लिखने होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।